गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट डेज इन अ ईयर और स्टार्ट करते हैं विद द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट डे आता है वो है हमारा 9 जनवरी को जो है NRIs डे, या हिंदी में इसे हम बोलते हैं प्रवासी दिवस। तो इस डे को हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे 9 जनवरी को, इसलिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है NRIs डे के नाम से। नेक्स्ट है हमारा 10 जनवरी को जो कि है वर्ल्ड हिंदी डे, हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड में। और नेक्स्ट है हमारा 12 जनवरी को यूथ डे। ये जो यूथ डे है ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम, क्योंकि इस दिन जो है स्वामी विवेकानंद जो थे उनका बर्थ हुआ था। नेक्स्ट इज 15 जनवरी, तो आप सभी को पता होगा 15 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ ऑन 25th ऑफ जनवरी वी हैव टू डेज, फर्स्ट इज नेशनल टूरिस्ट डे एंड नेक्स्ट इज वोटर्स डे। तो ये दो दिन हम 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल टूरिस्ट डे और वोटर्स डे। इसके बाद है 23rd जनवरी को हम मनाते हैं सुभाष जयंती, जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका बर्थ हुआ था 23 जनवरी को। इसके बाद और कुछ डेज हैं जैसे कि 13 जनवरी को हम मनाते हैं मार्टर्स डे, क्योंकि इस दिन जो है हमारे जो महात्मा गांधी जी थे वो शहीद हुए थे, उन्हें गोली मार दी गई थी। नेक्स्ट इज 1 जनवरी, 1st जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं ग्लोबल फैमिली डे, एंड नाउ 4th जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेली डे, जो ब्रेली सिस्टम होता है जो ब्लाइंड लोगों को पढ़ने में हेल्प करता है। तो जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका बर्थडे था 4th जनवरी को, इसलिए वर्ल्ड ब्रेली डे जो है हम 4th जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मंथ है दैट इज फरवरी, और फरवरी में जो सबसे फर्स्ट डे आता है यानी कि 1st फेब को, वो है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 1st फेब को। नेक्स्ट इज वर्ल्ड कैंसर डे जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 4 फरवरी को, और 2nd फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, मतलब कि जो लेक्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये वाला डे मनाया जाता है 2nd फेब पर। और इसके बाद है 13th फेब, 13th फेब को होता है रेडियो डे, 22 फेब को होता है हमारा वर्ल्ड स्काउट डे, एंड 28 फेब को हमारा नेशनल साइंस डे होता है, जो कि हम किस ओकेजन पे मनाते हैं, जो सीवी रमन थे उन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट को फाइंड किया था 28 फेब को। इसके बाद 1 से लेके 15 फरवरी तक सूरज कुंड क्राफ्ट मेला होता है, और ये कहाँ होता है, ये हरियाणा फरीदाबाद के अंदर होता है। नेक्स्ट जो हमारा मंथ है वो है मार्च, और सबसे पहले देखते हैं 3rd मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसके बाद 8 मार्च को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल वुमेन डे। 10th को आता है हमारे CISF डे, एंड 14th को आता है हमारा पाई डे। पाई डे 14 मार्च को क्यों मनाते हैं, क्योंकि हमारा जो 3rd मंथ होता है वो यहाँ से 14 आ गया, तो पाई की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो भी 3.14 होती है, तो इसलिए पाई डे जो है वो हम मार्च 14 को मनाते हैं। इसके बाद जैसे 15 को मनाते हैं हम वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 16 को आता है हमारा नेशनल वैक्सीनेशन डे, एंड 21 मार्च को क्या आएगा, वर्ल्ड पोइट्री डे आता है। इसके बाद 22 मार्च को क्या आता है, वर्ल्ड वाटर डे, और 23 मार्च को आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, एंड 27 को हम अवेयरनेस फैलाते हैं अगेंस्ट टीबी जो एक डिसीज है उसके अगेंस्ट। आगे देखेंगे कि अप्रैल और मई के मंथ में जो इम्पोर्टेंट डेज आते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ से अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, तो अप्रैल में जैसे 7 अप्रैल को क्या आता है, हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे आता है, और 5 अप्रैल को आता है हमारा नेशनल मार्टाइम डे। इसके बाद 18 अप्रैल को आता है हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे, 21 अप्रैल को आता है नेशनल सिविल सर्विस डे, 22 अप्रैल को आता है वर्ल्ड अर्थ डे, और 24 अप्रैल को आता है हमारा नेशनल पंचायत डे, या हिंदी में जैसे बोलते हैं हम इसे पंचायती दिवस। तो ये हमारे कुछ अप्रैल के इम्पोर्टेंट डेज हो गए। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं मई में, तो 1st मई को आता है हमारा लेबर डे, या फिर इसे खाली मई डे के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे 1st मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद जो है 7 मई को क्या आता है, हमारा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस का साइन भी ऐसे होता है, उसे हम 8 से याद भी रख सकते हैं ऐसे, 8 को क्या मनाते हैं हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसके बाद 3 मई को क्या रहता है, हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 12 मई को वर्ल्ड नर्स डे, और 17 मई को जो हाइपरटेंशन एक तरह की डिसीज होती है ब्लड
ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो उसको कब उसके अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने के लिए कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 मई को. 24 मई को क्या आता है? हमारा कॉमनवेल्थ डे. एंड 31 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं एंटी टोबैको डे. नेक्स्ट इज जून. जून में 1 जून को आता है हमारा वर्ल्ड मिल्क डे. 5 जून को आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. इसके बाद 12 जून को आता है एंटी चाइल्ड लेबर डे. 21 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे. और 14 जून को क्या रहता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे. मतलब इस दिन ब्लड डोनेट को इंकरेज किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड दें. इसके बाद जुलाई में हम चलते हैं. जुलाई में 1 जुलाई को क्या है? वर्ल्ड डॉक्टर डे. और यहाँ इंडिया में SBI डे भी कहते हैं. इसे SBI डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन SBI जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में. इसके बाद 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. 20 जुलाई को टाइगर्स डे. और 28 जुलाई को कारगिल विजय दिवस. आगे हम चलते हैं अगस्त में. अगस्त 6 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट नहीं करते, मतलब हिरोशिमा न्यूक्लियर अटैक हुआ था 6 अगस्त को 1945 में. और ऐसे ही 9 अगस्त 1945 में क्या हुआ था? नागासाकी में न्यूक्लियर अटैक हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर. 12 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे. 19 अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे. एंड ऑन 29 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्पोर्ट्स डे. ये जो मेजर ध्यानचंद हैं उनके बर्थडे पे मनाते हैं. और 8 अगस्त को क्या आया था? क्विट इंडिया डे मनाया गया था 1942 में. इसके बाद सितंबर में चलते हैं तो 8 सितंबर को क्या था? इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं. ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है. इसके बाद 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर वर्ल्ड में कह सकते हैं वर्ल्ड में होता है फर्स्ट एड डे. ऑन 15 सितंबर इंडिया में हम सेलिब्रेट करते हैं इंजीनियर्स डे. ये मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया, ये भारत रत्न भी मिला था इन्हें, तो उनके बर्थडे पे इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. एंड ऑन 16 सितंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है. सो लास्ट पार्ट में हम देखेंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो इम्पोर्टेंट डेज आते हैं वो कौन कौन से हैं. सो स्टार्टिंग विद अक्टूबर, सबसे पहले 2 अक्टूबर को क्या आता है? इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस. ये किसकी वजह से मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमें पता है जो महात्मा गांधी थे उनका भी बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर को. इसके अलावा 2 अक्टूबर को हम जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाते हैं, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे. 8 अक्टूबर को वी सेलिब्रेट एयरफोर्स डे. ऑन 15 अक्टूबर वी सेलिब्रेट स्टूडेंट्स डे. ये स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बर्थ हुआ था. और इसके अलावा 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉश डे भी होता है. 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट होता है. ऑन 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिक्स डे. ये जो है 5 ईयर्स में सिर्फ एक बार मनाया जाता है स्टैटिक डे. ऑन 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे, क्योंकि 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन जो है वो फॉर्म हुआ था. और 31 अक्टूबर को इंडिया में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है. कमिंग टू नवंबर, नवंबर में 7 नवंबर को कैंसर अवेयरनेस डे. ऑन 14 वर्ल्ड डायबिटीज़ डे. और 14 नवंबर को आपको पता होगा चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में. और इसके अलावा 11 नवंबर को एजुकेशन डे. ये किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनका बर्थडे था. नॉट फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो हमारे सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका बर्थडे था, इसलिए 11 नवंबर को एजुकेशन डे मनाते हैं. इसके बाद दिसंबर में 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे. और 4 दिसंबर को नेवी डे. 16 दिसंबर विजय दिवस. ये वाला विजय दिवस जो है ये बांग्लादेश में जो इंडिया जीती थी पाकिस्तान के अगेंस्ट उसमें मनाया जाता है. और जुलाई वाला जो था वो पाकिस्तान और इंडिया की जब लड़ाई हुई थी तब उसके लिए था, कारगिल वॉर के लिए. और 19 दिसंबर को क्या होता है? गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं. पहले गोवा इंडिया का पार्ट नहीं था, ये पोर्टुगीज के अंडर में था. इसके बाद 22 दिसंबर को इंडियन मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं. 23 दिसंबर को किसान दिवस. किसान दिवस किसके बर्थडे पे मनाया जाता है? ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे चौधरी चरण सिंह, उनके बर्थडे पर. और 25 दिसंबर को गुड्स अवेयरनेस डे. ये जो है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर
जो थे क्या नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बर्थडे मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप क्विज खेलकर पैसे अर्न करना चाहते हैं तो आप ऐप वेदिका को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।